हरे कृष्णा। कहते हैं सच्चे दिल से कुछ मांगो तो ऊपर वाला वो मुराद पूरी कर देता है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से नेगेटिव बातें पॉजिटिव बन जाती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के आज का टॉपिक देखते हैं कि जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्या उनको आपके प्यार का एहसास होगा और वो कमबैक करेंगे। दिस इज अ जनरल रीडिंग फॉर ऑल दोज हु आर वेटिंग विथ ट्रू लव। यहाँ पे मैंने दो डेक रखे हैं, डेक नंबर 1, डेक नंबर 2। तो इसमें से कोई भी डेक आप चूज कर सकते हैं जो आपको एप्रोप्रिएट लग रहा है या आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ध्यान से सोचिए और इस डेक को चुनिए। अब देखते हैं डेक नंबर 1। तो पहला कार्ड है यस फॉर योर बेटर फ्यूचर, मतलब हाँ। डेस्टिनी प्लान्स, मतलब आपके डेस्टिनी में, आपके भविष्य में, आपके नसीब में ऐसा कुछ लिखा होगा जिससे तकदीर बन जाएगी। अब देखते हैं रीडिंग। पहला कार्ड है ब्लिंक योर आईज, वो आपसे प्यार करते हैं, बात करना चाह रहे हैं। आप हौसला रखिए, शायद वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, किसी बात से थोड़े से अड़चन में है वो, तो जैसा ही उनको मौका मिलेगा वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लव इज दैट होल्डिंग यू, तो उनको प्यार का एहसास जल्दी ही हो जाएगा और उनको लगेगा कि जो चीज़ उन्होंने की है क्या वो गलत थी। वो आपसे वापस बात करना चाहेंगे, आपसे वापस से एक नई शुरुआत करना चाह सकते हैं। इमोशनल कमबैक, बहुत सारा दर्द सहने के बाद उनको लग सकता है कि इमोशनली वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपसे बात करना चाह सकते हैं। इमोशनली उनको कुछ फील हो सकता है और वो इमोशनल यानी भावनिक कमबैक कर सकते हैं। आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक, तो उनको लग सकता है ये रिलेशनशिप जो उनके लिए इतनी प्रिय थी वो अप्रिय कैसे बन गई, तो यही रिलेशनशिप वापस पाने की वो जी तोड़ के कोशिश कर सकते हैं। अमेजिंग कनेक्शन, तो उनको लग सकता है कि इस रिलेशनशिप से उनको बहुत सारा फ़ायदा हुआ, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली और बहुत अच्छी चीज़ें उनके लाइफ में हुई, तो वो इस रिलेशनशिप को अमेजिंग कनेक्शन मानते हैं और शायद आपसे फिर से बात करना चाह सकते हैं। लुक इन टू माई आइज, तो शायद आप अगर उनकी आँखों में आँखें डालकर देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि उनकी आँखों में अब भी वो प्यार है, वो जुनून है, तो ये बातें आपको आप समझ सकते हैं। आई रियली नीड अ हग, तो उनको लग सकता है कि जो प्यार उनको इस रिलेशनशिप से मिला है वो प्यार उनको और किसी रिलेशनशिप से नहीं मिल सकता, तो इसके लिए वो आपसे फिर से मोहब्बत करने के लिए तैयार हो सकते हैं। रीचिंग डेस्टिनेशन, उनको ये लग सकता है कि उनको प्यार पाना है और वो जल्दी प्यार पा सकते हैं। हीलिंग, तो जो नेगेटिविटी उनके लाइफ में आई उनको वो दूर भगाना चाहते हैं और आपसे जुड़कर वापस से रिलेशनशिप को हील करना चाह सकते हैं। आउटडोर, तो शायद वो आपसे कहीं बाहर मिलना चाहेंगे और आपसे कुछ बातें क्लियर कर सकते हैं। आई मिस यू, तो फाइनली उनको एहसास हो जाएगा कि वो आप पे कितना प्यार करते हैं, कितना भरोसा रखते हैं और आपके बिना उनकी लाइफ कैसे सुनी सुनी हो चुकी है। अब देखते हैं टैरो। पहला कार्ड है 10 of Cups, तो इसका मतलब है कि एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप उनके लाइफ में थी जिसको उनको समझना है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही हैप्पी थी, बहुत रोमांटिक थी, बहुत सारे ख्वाब भी देखे थे, तो इसको नज़र इसके ऊपर देखते हुए वो आपके लाइफ में फिर से कमबैक कर सकते हैं। 8 of Swords, तो यहाँ पे उनको दुख दिख रहा है, शायद अभी वो दुख में है, सैड में है और उसका रीज़न इसलिए है कि उनके उन्होंने कुछ गलत चुना है, तो शायद वो इस गलती को सुधारना चाह सकते हैं। 7 of Swords, तो उन्होंने थोड़ी सी एक्शन की है, अपने लाइफ में कुछ डिसीजन लिए हैं, तो उस डिसीजन के ऊपर वापस से बात करना चाहते हैं और शायद वो चाहेंगे
कि वापस से आपके लाइफ में कम बैक करें। दी मैजिशियन, तो यहाँ पे उनको सही डायरेक्शन मिलने की शंका है, तो वो सही डायरेक्शन प्राप्त करना चाहेंगे और उनको लगेगा कि जो चीज़ उनके लाइफ में इतनी अच्छी थी तो इतनी कड़वी कैसे हो गई, तो ये उनको एहसास हो सकता है और लाइफ में आपके साथ कम बैक कर सकते हैं। फाइनल कार्ड है द लवर्स, तो यहाँ पे उनको दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना है, तो यहाँ पे आपको चुनने की बात आती है। वो देखेंगे, परखेंगे कि कितने प्यार में थे वो, कितने अच्छे नशे में थे, कि आपसे प्यार का नशा उनको मिला था, तो वापस से आपके साथ कम बैक कर सकते हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं डेक नंबर टू। कहते हैं सच्चे दिल से कुछ मांगो तो ऊपर वाला वो मुराद पूरी कर देता है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से नेगेटिव बातें पॉजिटिव बन जाती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के आज का टॉपिक देखते हैं कि जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्या उनको आपके प्यार का एहसास होगा और वो कम बैक करेंगे। दिस इज अ जनरल रीडिंग फॉर ऑल दोज हु आर वेटिंग विथ ट्रू लव। तो देखते हैं डेक नंबर। मे बी फॉर योर बेटर फ्यूचर, तो ये हो सकता है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। गॉड, तो यहाँ पे भगवान की मर्जी है, ऊपर वाले की मर्जी है, उसके मर्जी से ही सब बातें हो जाएंगी। अब देखते हैं रीडिंग। ट्रबल्ड रिलेशनशिप, तो आज वो जिस रिलेशनशिप में है उनको लग सकता है कि एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं है या फिर इसमें उनको तकलीफ हो रही है, तो ये इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे और उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहेंगे। शायद दोनों रिलेशनशिप को वे कंपैरिजन कर सकते हैं और भावनात्मक तरीके से जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। समवन इज इंटरफेयरिंग, तो जो अच्छा नाता था उनका, उसमें कोई और एक इंसान आ चुका है जिसके वजह से उनकी लाइफ बदल चुकी है, तो थोड़ा सा किसी और इंसान का इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में हो रहा है, तो ये उनको जानना है और समझना है कि कोई थर्ड पर्सन है जिसके वजह से लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। एंटरटेनिंग, उनको पता चल सकता है कि कौन सी रिलेशनशिप उनके लिए सही है और सही मायने में उनके लिए अच्छी है और उससे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। इस कार्ड है परफ्यूम, तो इस कार्ड का मतलब होता है कि सेक्सुअल बातें भी आती हैं और बाकी की बातें भी आती हैं, तो उनको पता लग सकता है कि कौन से रिलेशनशिप में वो सही मायने से सुखी थे, खुश थे, और कौन से रिलेशनशिप में उनको ट्रबल हुई थी या ट्रबल हो रही है। ड्रीम डेस्टिनेशन, तो अपनी पसंद की रिलेशनशिप वो आपस से चुनना चाहेंगे, वो आपसे बात करना चाह सकते हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। आई फील क्लोज टू योर हार्ट, तो उनको ये रियलाइजेशन हो सकता है कि आज भी उनके दिल में उतनी ही फीलिंग्स हैं जो पहले थी, तो अगर ये फीलिंग उनके हार्ट में है तो डेफिनेटली वो आपसे कम बैक करना चाह सकते हैं। यू नीड टू से सॉरी, तो शायद रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ी हुई थी जिसके कारण उनको लग सकता है कि दोनों में से किसी एक ने तो सॉरी कहना बहुत ज़रूरी है। सॉरी कोई इंसान कह सकता है, तो शायद वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सॉरी कहें, या फिर वो खुद भी आपसे सॉरी कह सकते हैं और कम बैक कर सकते हैं। वॉट आर यू थिंकिंग, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, इसके बारे में वो सोच रहे हैं कि आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सच में आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं, ये सोच के वो आगे चल रहे हैं। ट्रिंग ट्रिंग, तो शायद फ़ोन कॉल करना चाह सकते हैं, शायद पहले पर्सनली मिलना ना चाहे लेकिन फ़ोन पे बातें कर सकते हैं। अब देखते हैं टैरो। पहला कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ दो के बाद एक और नंबर आता है, तो कोई थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है जिसके वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ी सी टूट रही थी या फिर इस रिलेशनशिप में तनाव आ चुका है, तो इस थर्ड पर्सन के कारण रिलेशनशिप में बदलाव आ चुके हैं। द चैरियट, तो यहाँ पे उनको दो फोर्सेस को कंट्रोल करना है, जैसे कि एक है भावनात्मक और एक है प्रैक्टिकल।
दो लोगों में से किसी एक पर्सन को वो चुन सकते हैं और अपना निर्णय दे सकते हैं। यहाँ पे उनको डेफिनेटली थोड़ी तकलीफ होगी सोचने में, समझने में, लेकिन उनको ये डिसीजन लेना पड़ सकता है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे उनको लग सकता है कि उन्होंने एक फेज लाइफ की पूरी कर दी, लेकिन अभी भी काम बहुत सारा बाकी है, अभी भी बहुत देर है। तो उनको समझना है कि कौन सी रिलेशनशिप उनके लिए सही है और कौन सी नहीं। द हर्मिट, तो यहाँ पे हम दिशा देखते हैं, हमें सही दिशा मिलती है, कुछ समझने को मिलता है। तो अगर हम ये समझे ठीक से तो यहाँ पे एक बात आती है कि सही रास्ता चुने। और फाइनल कार्ड है यहाँ पे एट ऑफ पेंटाकल्स, तो काम अभी भी जारी है। ऐसा नहीं कि जो रिलेशनशिप दूसरी इन्होंने चुनी है वो इनके लिए सही है, वो इसके ऊपर गौर कर रहे हैं और फाइनली सोच विचार करके ये चुनेंगे कि उनके लिए कौन सी रिलेशनशिप अच्छी है, ये वाली या पहले जिसमें वो इन्वॉल्व थे। तो ये थरणी आपके लिए, आई होप इट रेजोनेट्स विथ यू। थैंक यू।